दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो 2023-24 में बजट में जो घोषणाएं की हैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बजट में उच्च शिक्षा के विस्तार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए, जिसमें राजकीय महाविद्यालय 26 व कन्या महाविद्यालय 20 हैं, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही यह बताना चाहूँगा कि इसी बजट में, बजट वर्ष में प्रदेश के मेघावी युवा अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सलेंस योजना शुरू की गई है। इसी योजना के तहत पूर्व में 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का भी प्रावधान था, जिसका दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इंटर्नशिप के रूप में भी सहयोग देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी बजट में राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थाओं में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सलेंस कार्यक्रम आरंभ किया गया है। बजट में विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो मेरी नदबई विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए नदबई में राजकीय कन्या महाविद्यालय की घोषणा की है, मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई में, जो कि क्षेत्र की बच्चियाँ 20-25 किलोमीटर दूर बयाना, रूपबास व भरतपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय जाती थीं, उनके लिए पिछले 3 बजटों में माननीय मंत्री जी ने मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो नदबई हो चाहे उज्जैन हो, वहाँ 5-5 महाविद्यालय दिए, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि पहले बच्चियाँ या तो बयाना जाती थीं या भरतपुर जाती थीं और 25-30 किलोमीटर वहाँ से दूरी थी, और अब निश्चित तौर पे 5-5, 6-6 कॉलेज जो पिछले 3 बजट में खुले हैं, उससे बच्चों को सभी को बहुत बड़ा एक लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वर्तमान बजट में समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा जो की गई है, जिस पर 560 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जो कि एक सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में कुल 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालय को कर्मान्वित किया जाने की जो बजट में घोषणा हुई है, तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाने की जो घोषणा की है, इससे निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर उच्च होगा। माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में दिए जाने का विकल्प दिया जाएगा, जो कि एक सराहनीय कदम है। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संख्याएं कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा उपलब्ध कराने का भी जो घोषणा हुई है, वो भी एक अच्छा सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे में सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा घोषणा की गई है, उसके लिए मैं उनका बार बार हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि जिसमें निम्न विस्तार करते हुए प्रदेश में 358 शैक्षणिक ब्लॉकों का विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु लर्निंग एंड सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा, जो पीछे बजट में जो घोषणा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा क्लासरूम, लैब्स, शौचालयों के निर्माण तथा जर्जर भवन के लिए आदि के लिए 200 करोड़ रुपये बहकर जो घोषणा हुई है, उसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी बजट में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की भी जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं, गरीब माता पिता बच्चों को उसमें शिक्षा के लिए प्राइवेटों में नहीं पढ़ा पाते थे, निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। प्रदेश में विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जाने की, जिसमें छात्रावासों की कुल 8 संख्या है, उसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र नदबई में
कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकचोबा कल्याणपुर को कर्मोन्नत किए जाने की भी मैं साथ ही माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंगला परसा भैंसा, जो लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय से, उसको भी पुनः प्रारंभ करने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए विधानसभा क्षेत्र नदबई के कल्याणपुर में ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की भी मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूँ। और उसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र नदबई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ासा में विज्ञान संकाय के स्थान पर कला संकाय खोला जाने की भी मैं मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र नदबई में नवीन CBO कार्यालय भवन के लिए निर्माण हेतु राशि जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है, मैं उसके भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही विधानसभा क्षेत्र नदबई के उज्जैन में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। उच्च शिक्षा विभाग में विधानसभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत खानुआ व झारौली में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग करता हूँ, क्योंकि आसपास लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं है और बच्चों को मजबूरन दूर जाना पड़ता है और दूर होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय महाविद्यालय नदबई व उज्जैन को स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर्मोन्नत करने की भी मैं मांग करता हूँ। माननीय सभापति जी, आपने मुझे मेरी मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।